अच्छा जी, साइंस की दुनिया में एक हैरानकुन और दिलचस्प इंकिशाफ हुआ है। अच्छा। भारत के साइंसदानों ने ये जो मशरूम्स होती हैं, जिन्हें हम खुम्बियां कहते हैं, जंगली नस्ल की एक खुम्बी में से सोना ढूंढ निकाला है। और ये सोने के नैनो पार्टिकल्स हैं। आइए हम अपने साइंसदान से पूछते हैं कि ये कामयाबी हासिल कैसे की। साथी मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। बाबा जी। जी जी जी, कौन है भाई? बाबा जी इधर। ओ बिस्मिल्लाह, फिर आ गए हो। जी जी, बात ही कुछ और ये थे। जी जी जी, हेलो। हां, शुक्र है अल्लाह का यार, मैं जिथे जाना तुसी ओथे आ जांदे हो। बाबा जी, बड़ी दिलचस्प और हैरानकुन खबर है कि साइंसदानों ने खुम्बियों में से सोना दरियाफ्त कर लिया। देखें, ये साइंस की वो कामयाबी है जो इंसान की निजी जिंदगी में इंकलाब बरपा कर देगी। वाह। अच्छा, निजी जिंदगी में कैसे इंकलाब बरपा होगा? ओ, मैं सदके जावा, शादीशुदा हो। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। गल सोने दी होन रही जे। बात ये है कि किसी भी शादीशुदा जोड़े के अंदर सबसे ज्यादा जो फरमाइश की जाती है खातून खाना की तरफ से, जी जी, वो दो होती हैं। वाह। अच्छा। एक ये ख्वाहिश होती है खातून खाना की कि मेरा खावंद अच्छा निकल आए। दूसरी ख्वाहिश होती है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सोना हो। वाह। जो पहली ख्वाहिश होती है खातून खाना की, मेरा खावंद अच्छा निकल आए, वो बुढ़ापे में जाके पूरी होती है। जब मियां बीवी बूढ़े हो जाते हैं फिर एक दूसरे को अच्छे लगने लगते। साइंस ने बड़ी कोशिश की है कि ये अमल जवानी में भी हो सके। हाँ। अगर साइंस नाकाम रही है। हाँ। फिर तो आप ये कहिए ना कि साइंस फेल हो गई। नहीं 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 बेटे, साइंस फेल नहीं होती। देखो, बात ये है कि साइंस तो लगी हुई है। हाँ। अगर ये सोच लें कि साइंस फेल हो गई है तो फिर रिसर्च का अमल रुक जाता है। अब बात दूसरी जो है वो है सोने की। जी जी। अगर खातून खाना की ये ख्वाहिश बावर्ची खाने से ही पूरी हो जाए, कैसा अच्छा है। खुम्बियां जो मशरूम होते हैं वो बावर्ची खाने की एक चीज है, खाने में डाले जाते हैं, खास तौर पे ये जो चाइनीज खाने बनते हैं। आइंदा आप किसी भी चाइनीज होटल में बैठ के जब सूप पियेंगे जिसमें मशरूम भी होंगे, तो हर चमचे के साथ आप अपने मुंह में सोना महसूस करेंगे। क्योंकि साइंस ने खुम्बियों मशरूम में से सोना दरियाफ्त कर लिया। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? और मैं भी इसलिए नहीं डर रहा कि मैं साइंस पे इस तरह के बहुत से तजर्बे कर चुका हूँ। बड़ा कुछ लग सकते हो लेकिन दौड़ नहीं ला सकते। देखो, बात ये है कि ये जो बात हो रही है खुम्बियों की, आप ले गए इसको जमीन में पैसे दफन होने पे। जी। वो और चीज है, वो और चीज है। वा, वा, वा। जब मशरूम में से सोना निकल आएगा तो फिर आपको जमीन खोद के खजाना ढूंढने की क्या जरूरत है? आपको खजाना तो भाई मेरे मशरूम में से ही मिल गया ना। आप जब चलते हैं ये कुदरती ऐसे ही या डिजाइनिंग कराई हुई है? बेटे, किसी का चाल चलन नहीं देखता, उसका किरदार देखती है। वाँ वाँ वाँ। उसका काम देखते हैं, उसका काम देखते हैं। वाँ 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 वाँ। काम देखे क्या किया है साइंस ने। वाह। कि मशरूम में से, खुम्बियों में से हमने सोना ढूंढ लिया। साइंसदान साहब, आपको ख्याल कैसे आया कि इस खुम्बी में सोना है और आप इसे तलाश करें और इसे निकाल लें? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो साइंसदान है भारत के, उन्होंने ये सोचा होगा कि ये अल्लाह ताला ने जो जमीन पे छोटी सी छतरी बना के लगाई हुई है, लाजमन इस छतरी के नीचे कोई कीमती चीज होगी। वाह, बड़ा सोच, क्या कहने। ये कैसे आया ख्याल? आप देखते हैं जब एक जोड़ा जा रहा होता है, एकदम बारिश शुरू हो जाती है, एकदम छतरी खोल के खामद अपनी बीवी के ऊपर कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए उसकी बीवी सबसे कीमती चीज। और बीवी के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? सोना। सदके जावा, गल किसी पूछ लई। अब जो सबसे कीमती चीज है मर्द के लिए वो खातून खाना है। जी जी। और खातून खाना के लिए जो सबसे कीमती चीज है वो सोना है।
दोनों चीजें सेफ हो गई ना। वाह 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 वाह। अब मेरा अपना आइडिया ये है कि भारतीय साइंसदानों ने उस खुम्बी की शक्ल को, उसके वजूद को देख के तो लाजमन ये सोचा होगा कि इस खुम्बी के नीचे लाजमन कोई कीमती चीज है। हमने तो सारी जिंदगी इसके नीचे सुना सांप होता है। बेटे हुंदा ते तेनू हुण तक लड़ गया हुंदा। देखो सप्प नू डाक्टर ने गोगा मना नहीं कीता है। अगर हुंदा खुम्बी थले सप्प, बेटे तेनू लड़ जांदा। ओहो मेनू क्यों लड़ जांदा? बेटे सप्प हर एक नू लड़ लैंदा, उहने किहड़ा इंज करना हुंदा। तो बात ये है अपना ए बच्चे का की नाम है फरीद रईस। माय गॉड फरीद साहब, बात ये है कि ये जो सोना दरियाफ्त हुआ है खुम्बियों में से, अब आप देखिएगा कि खातून खाना की भी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और मर्द के ऊपर से भी बोझ बड़ा कम हो जाएगा। भाई अगर सोने की फरमाइश कर रही है बीवी तो 1.5 किलो खुम्बियां लवो तो उनको वायलो फड़ो, घर बह के मटर चो दाने कडो, गुम्बिया चो सोना कडो। मगर यहाँ एक बड़ा ही बारीक सा मसला है। हाँ जी। जिस मशरूम में से हमने सोने के नैनो पार्टिकल्स दरियाफ्त किए हैं, जी जी, वो इतने बारीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि वो हाँ वही आंख को नजर ही नहीं आते। अब अक्सर खवातीन जो हैं उनकी जो अपना नजर है वो वीक हो गई होती है। अगर किसी बच्ची को या मेरी बहन को या मेरी वालदा को ये सोने के नैनो पार्टिकल्स उस खुम्बी में से या मशरूम में से नजर ना आए तो न समेत तो उन्होंने हांडी सुट ले। और वो मले में कह सकती है आज मैं 24 कैरेट की हांडी पकाई। ये भी खातून के लिए एक बड़ी फखरिया बात होती है। वाह वाह वाह। तो उसने अपने मेहमानों को, अपने मल्लेदारों को, अपने रिश्तेदारों को बताना होता है कि मैंने आज क्या पकाया है। अब कोई खातून ये बताएगी अपनी सहेलियों को फोन पे, या अपने मेके वालों को, या मोहल्लेदारों को, या मेहमानों को कि हमने 24 कैरेट की हांडिया पकाई है। होई होई। तो आप देखिए उसके लिए कितना बड़ा खुशी का लम्हा होगा। वाह वाह वाह। और जो निकाल लेंगे नैनो पार्टिकल सोने के उस खुम्बी में से, उसका जेवर बनवा लें। ऐसा साहब, ये नाना पार्टिकल तो हमने सुने थे, ये नैनो पार्टिकल्स क्या है? एक मेरे फूफी दे मुंडे दा नाम नहीं। ये मैं सोने के एक बारीक तरीन जर्रे का नाम ले रहा हूँ। नैनो पार्टिकल्स। हाँ। वो बोला नैनो पार्टिकल्स। ना तुसी सोने दा ले रहे हो, तुहाडे मुंह लोया लगन दे। देखिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप जो लोग हैं आपने देखा होगा कि कई बाबे अपनी सारी सारी जिंदगी सोना बनाने के चक्कर में मुख्तलिफ तजर्बात कर करके बेचारे बूढ़े हो जाते हैं। हाय हाय हाय। अक्सर हमारे मोहल्लों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं कि भाई जी मेरे पास सोना बनाने का नुस्खा है। हाँ जी। सारा दिन वो उस पे मेहनत करते रहते हैं। हाय हाय। मगर सोना नहीं बनता, बाबा बेचारा पहाड़ तो डिगी बकरी अरगा हो जाता है। कभी पहाड़ तो डिगी बकरी देखी है? नहीं। मैंने की लोड़ उधर जान दी, मैं अपने काम करना। ओहो देखो कभी। अच्छा जी। उस बेचारी को उठ के फिर टुरिया नहीं जाता। सानू की दस दे साडे को है पहाड़ तो डिगी बकरी है देखो। वाह वाह वाह। सो बताने का मतलब ये है कि इंसान सारी जिंदगी का लगा हुआ है कि सोना किसी तरीके से बन जाए उससे। अजी सोने की खेती बड़ी जी। मेरे दादाजी कई साल सोना लभद रहे। अच्छा। अखीर मेरे चाचे को लभा, उन्हें दादे की संदूकड़ी च कढ़िया जी। बेटे मैं कोई चोरी करन दी नहीं गल कर रहा, सोना बनाने दी गल कर रहा। वाह वाह वाह। तो मेरा मतलब है सोना बना तो कोई पाया नहीं। हाँ। अगर सोना आपको इन चीजों में से भी मिल जाए तो खवातीन तो खुश हो जाएंगी। हमारे बच्चे जो हैं, खवातीन जो हैं, बच्चियां हमारी, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। देखो सोना हो बड़ा महंगा गया है। अब कहां बनता है जी, 2.25 लाख रुपए का तो तोला हुआ है। जी तुसी दफा करो सोने नू, तुसी उतो 750 दी संगल लवो ते अपने गल च पाओ। ऐसे माफ करना, साडे लाला तावला साहब ने भी सोना बनाने दा नुस्खा दसिया है। पितल बनाया ई सोना बन साया मुलाना। अल्लाह आपकी खैर करे, मैं
मैं इसी तरफ आ रहा था कि लाला अताउल्ला ईसा खेलवी जो खुद सोना है वो सिर्फ सोना बनाने का नुस्खा बताते हैं तो लोग उनको वेलें दे दे के ढेर लगा देते हैं। तो हमने तो सोना दरियाफ्त कर लिया, सानू भी तो वेलां दे। अल्लाह तेरी खैर करे, बड़िया कामयाबियां होर साइंस चले मिलनिया ने और सारियां तुहाडियां दुआवां नाल ही होनिया ने। बड़ा दिन है अल्लाह ने तुहानू, बहुत दिन है। माफ कीजिएगा हमारे पास इस वक्त पर्स नहीं है। बेटे पैसे खवातीन आजकल मेकअप बॉक्स च रख दिया। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कई लोगों को शौक होता है कहीं घर जाते हैं ना तो वो बुए के आगे खड़े होके हारन के ऊपर टोल की भी जानी शुरू कर देते हैं।